What advice should a guy spend his money on the girl he like or not? Gift देना जो उनसे ना वो सबसे एक अच्छी आदत है, ठीक है ना? आप gift दें। But एक it's a different simp भी तो हो जाता है ना बंदा थोड़ा सा simp as in like वही ना जो नहीं लड़कियाँ चाहती हैं उन्हें gift मिले। उन्हीं से चाहती हैं जिनसे वो जिनको वो actually चाहती हैं। हर कोई gift देना शुरू कर दे तो वो तो फिर EU हो जाता है। थोड़ा थोड़ा। फिर ये शोधा तो नहीं है? तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज बॉय मूसा खाना, वेलकम बैक टू येट अनदर स्पेशल Q&A विद मामू। और दिस इज द लास्ट पार्ट, तो दिस इज ऑल्सो वेरी फनी एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव एट द सेम टाइम। एंड तक आप लोगों ने देखना है कि एंड में सबसे मजे का जोक है। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लेट्स गो ऑन विद द वीडियो। ब्रो शी लेफ्ट बट स्टिल प्रेइंग के वापस आ जाए, शी वाज एवरीथिंग यार। मेरे बात सुनो, चूसने के मुंह वाला इसका इश्क में शौकियां कुछ नहीं होती, सिर्फ एक टाइम होता है आपके ऊपर। अब मैंने लव मैरिजेस देखी हैं, एक आध फैमिली में भी ऐसे हुई है, और बाद में फिर वो जो उनकी वर्ड्स डिवोर्सेस भी देखी हैं। तो ये जो इश्क में शौकियों वाला सीन है ना, ये एक टाइमिंग होता है, सिर्फ इश्क में शौकियों की जिंदगी नहीं गुजरती, प्रैक्टिकल लाइफ इज द मेन थिंग। ये जो फिल्मी और ये लोगों को उल्लू बनाया हुआ ना, वो फिल्में दिखा दिखा के वो ये हो गया, वो सुबह हो गई, शाम हो गई, प्लांका हो गया, ये हो गया, ये खूबसूरत बच्ची आई और ले गई, भाई ये सारी फिल्मी बातें। तो अगर वो छोड़ के चली गई है तो समझदार तेरे जैसे बगारत को छोड़ के चली। Exactly, क्योंकि तेरा वो माइंडसेट नहीं है। बच्चों ना माइंड में छोड़ के चली गई तो वापस आ गई, हद हो गई यार। सही बात है। तेरे बड़े चूसे जिन्हें को मुंह ना लाए एनजी दिन दिन बंदा गंडेरिया ने चूस के फेंकते गंडेरिया। हाँ, इसी की तरह होते हैं, बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। बेटा ये अच्छी बात है तुम्हारे साथ ये हो रहा है, ये होएगा, कैनन इवेंट है, लाइफ में कुछ सीखोगे इस चीज से, ठीक है? इस पे रिफ्लेक्ट करोगे क्यों छोड़ के तुम्हें चली गई, क्योंकि तुम रोतलू हो। और कहते हैं ना मुन्ना भाई, इस रोतलू से कौन शादी करेगा। ऐसे ही होते हैं जिन्हें वो छिलड़ उठा के ले जाते हैं थानों में, पिट्ठी पे जो उनसे वो लेकर मार रहे होते हैं। सही बात है। और फिर बाद और भी कुछ मार रहे होते हैं। यार एक लड़की ने सवाल पूछा था बड़ा अच्छा, क्रॉचेट लव, इसने अपनी पिक्चर नहीं लगाई भी, लेकिन कहती है आई एम अ 19 ईयर ओल्ड गर्ल विद नो मेल इंटरेक्शन, एनी एडवाइस फॉर मी हाउ टू रीच आउट टू मेन रिस्पेक्टफुली। डज शी लाइक समवन एंड शी वांट टू अप्रोच? नहीं नहीं, कह रही है इन जनरल। वैसे तो लड़कियां रीच आउट नहीं करती यूजुअली। देखें बच्चे, जो हमारा पाकिस्तान में कल्चर है ना, तो उसमें तो बच्चियां रीच आउट ना ही करें, वो पॉजिटिव सेंस में भी करती है ना, तो यस फॉर सम हाउ इज टेकन इन नेगेटिव वे। अगर आप अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है ना, तो बेहतर है कि नहीं, डोंट थिंक अबाउट इट। लेकिन वो होगा ना कि मैं कहने लगा था कि पेरेंट्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, हो सकता है पेरेंट्स ना करें। मैं अभी चलो मुझसे दुआ करो इस बच्चे का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। हम दुआ कर रहे हैं यार इस बच्चे, आपने नाम नहीं बताया, लेकिन इस नसीब खोले इंशाल्लाह। और मूसा और मामू जैसा कोई अच्छा इंटेलिजेंट हैंडसम सॉरी यार वो गर्दन कड़ाके, ये गर्दन से कड़ाका है, मैंने फाट किया। नहीं नहीं कड़ाका है प्रॉपर, फाट तो फिर बच्ची का किसी अच्छी जगह पे रिश्ता हो। आमीन आमीन। दिल से दुआ मांगे आपके लिए। कह रहे मूसा भाई, व्हेन विल यू हैव अ नोज जॉब? अपार्ट फ्रॉम यूएसए, व्हाट इज अवर सेकंड एंड अदर कंट्रीज टू मेक अवर करियर, या करियर, या प्रोबेबली इट्स लाइक व्हाट इज अ सेकंड कंट्री यू वुड वांट टू गो टू अपार्ट फ्रॉम यूएसए एंड लिव देयर? मैंने काफी कंट्रीज फिरी हैं, देखो फिर यूरोप मैंने सारा देखा है, कनाडा, इंग्लैंड, यूएस जैसा तो कोई नहीं है, बाकी जगहों पे तो गन पड़ गया है या जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इस तरह की काफी चीजें हैं, लेकिन यूएस इज नंबर वन फॉर नाउ। अगर आप मुझसे ये पूछें कि जी व्हाट्स द इजीएस्ट वे टू गो इन अदर कंट्री आफ्टर यूएसए, बिकॉज़ यूएस लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो वो फिर कनाडा है। अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं चाइना, यू सेड a lot of good things about but China. China is like, look, the tourist is a separate thing. Yeah. But यहाँ पे बात हो रही है settle होने की. Yeah, I would not want to settle there. Jing Jang Jung Ni Hao. ओह वो चाइना से याद है ना, कुछ स्टोरी बताओ। चाइना में तो ऑब्वियसली नहीं सेटल हो गए, वो देख गए थे ना बाथरूम सारे साथ कर रहे थे, जोर मार रहे थे तो आप भी बैठ गए साइड पे, या नहीं बैठे थे? चाइना में माशाल्लाह वो पानी की बहुत बचत करते हैं, तो उनके जो टॉयलेट है ना, ये जो पाकिस्तानी टॉयलेट्स होते हैं, तो वहाँ पे ना कोई नलका है ना कुछ है, बस वो बैठ जाते हैं, वो करके खड़े हो जाते हैं, तो चलते फिरते वो खुद ही वैसे ही। मेरे साथ एक वाकया हुआ, तो मैं गया तो वो ना कोई बीच में कोई पार्टीशन ना कुछ, वो एक ऐसे टॉयलेट्स बने हुए हैं और तीन बैठे हुए, तीनों मोबाइलों पे ऐसे लगे हुए आपस में, और ना कोई पानी। आपको मतलब आ भी रही थी जोर की, लेकिन जब आपने वो देखा, यकीन करो पानी, मैंने पता कि मैं एक घंटा बर्दाश्त करके रखे अपने आप से, यकीन करो मेरा ना पेट खराब हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, कीड़ा मकोड़ा तो नहीं खा लिया था? नहीं, वो चेंज हो गया था ना पानी, चेंज हो गया था, तो भाई मत पूछो, जो पेट में तबाहियां थी, लेकिन वो एक घंटा मुझे पता कि मैंने मेरा पेट इतना फूल के बाहर आ गया था। गंदे हैं बड़े बड़े गंदे हैं, चींचू पींचू।
एक बच्चे ने कहा था मैंने मामू को प्रपोज किया था, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं मैं बॉय हूं। आई एम पठान, नो वरीज। ताहा चीमा ने पूछा है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू डू और लर्न जब आप यूएस में आते हो। देखो जब यहाँ पर आप आते हो ना एवरीथिंग बिकम लुक डिफरेंट। जो उसमें सबसे बड़ी जो चीज लगती है ना वो जो करेंसी लगती है। मैं जब यूएसए में आया ना तो सारा सारा दिन प्यासा रहता था, लेकिन मैं वो $2 की पानी की बोतल नहीं लेता था, कन्वर्ट हो जाता था, कन्वर्ट हो जाता ना $2 में 500 रुपए की बोतल। यार वो वाज रियली रियली पेनफुल। इट टुक मी लाइक 3 or 4 months। ये तो खैर मैंने मजाकन बात की है, लेकिन यूएस में जो उनसे ना जब आप इधर मूव होते हो तो जस्ट कीप इन माइंड दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। व्हाट एवर यू विल बी डूइंग वो आपको रिवर्ट होगी। अब यहाँ मेहनत करो आपको उसका फल डबल मिले, 100% मिलता है। तो आपने घबराना नहीं है। जब आप आते हो माहौल चेंज होता है, सिस्टम चेंज होता है, लोग चेंज होते हैं, तो आप समझते हो कि जी पता नहीं क्या हो गया। आप अपने उस कम्फर्ट जोन से निकल आते हो, तो बस आप उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करो कि देर इज नो मोर कम्फर्ट जोन। व्हाट एवर यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ, सो जस्ट डू इट। आपकी भी अपनी स्टोरी कम्प्लीटली कवर नहीं की, बट यू नो लोग कह रहे हैं कि एक बच्चे ने पूछा है, वाहज नदीम ने कह रहा है देर आर सो मेनी मिलियनेयर्स इन द वर्ल्ड, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ मेकिंग मनी? वर्क हार्ड। नहीं बट थोड़ा सा मुख्तलिफ जवाब चाह रहे हैं ना, इसको कोने पे जाके देखो ना, बात सब चीज सिर्फ पैसा नहीं है ना। इट्स नॉट अबाउट द मनी, वी आर कंपेयरिंग इट विद द मनी, दैट्स व्हाट वी आर रॉन्ग। मनी कम्स लेटर, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। देखो अगर आप रात आपको 3 times का खाना मिल रहा है या 2 times का खाना मिल रहा है, आपके पास छत है और आप रात को सुकून से सो रहे हो, प्लस आप सेहतमंद हो, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। सेहतमंद स्पेशली जो मिलियनेयर्स हैं वो यकीन करो वो ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला है, वो क्या उनका पैसा उनको बचा लेती है? तुम्हारी लाइफ ट्रेड कर लेंगे वो मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स जो बीमार है। They would rather live your life. इसीलिए खाली हर चीज को आप पैसों में ना तोलें। आपकी सेहत है, आपको जो सुकून है, आपकी जो नींद है, ये भी एक दौलत है। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। अच्छा ये अच्छा सवाल है नेटवर्किंग पे, ठीक है। हाउ कैन वी फाइंड विजनरी पीपल अराउंड अस टू मेक आवर सर्कल मोर क्वालिटेटिव योर एक्सपीरियंस? आप खुद अच्छे होंगे ना तो एवरीबॉडी विल सराउंड विल बी गुड। पॉजिटिव एनर्जी की जो बात की थी हाँ जी। अगर आप खुद बुरे हैं ना तो आपके सराउंडिंग में वही लोग होंगे, वही आपको लगेंगे। सो जस्ट बी नाइस, यू विल नॉट बी गोइंग टू फाइंड अ स्पेसिफिक पर्सन। अगर आप लाइफ अपॉर्चुनिटीज देती है ना आपको, जैसे मैं जब फिजा से मिला और फिर जब मैं मामू की इनकी तरफ आया तो मैं मामू से मिला। इफ आई वॉज अ लिटिल डिफरेंट पर्सन, थोड़ा नेगेटिव होता, शायद ना पसंद करते मुझे, ठीक है। सो इन योर डेफिनेशन इज अ क्वालिटी पर्सन, राइट? बट आई कुडंट हैव सराउंडेड माय सेल्फ विद हिम। मेरे पास कोई इतने मिलियन डॉलर की थोड़ी प्रॉपर्टी है कुछ पड़ा हुआ था, जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। बट आई थिंक पॉजिटिविटी एंड लाइक हैविंग दैट स्पार्क मैटर्स अ लॉट। हुज़ैफा अनवर ने पूछा है, देख ले, what advice should a guy spend his money on the girl she like? Girl he like or not? बिल्कुल देखें, आप जिससे प्यार करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, आप और आपके पास जेब में पैसे हैं, आप उस पे लगाएं। गिफ्ट देना जो उनसे ना वो सबसे एक अच्छी आदत है, ठीक है ना? आप गिफ्ट दें, बट एक इट्स अ डिफरेंट सिंप भी तो हो जाता है ना बंदा, थोड़ा सा सिंप एज इन लाइक वही ना जो नहीं, लड़कियां चाहती हैं उन्हें गिफ्ट मिले, उन्हीं से चाहती हैं जिनसे वो जिनको वो एक्चुअली चाहती हैं। हर कोई गिफ्ट देना शुरू कर दे तो वो तो फिर ईयू हो जाता है ना भाई, इसने तो देना है ना, इसने क्या देना है गिफ्ट? नहीं बट लाइक आई वुड से मेरी थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग एडवाइस है, तब तक स्पेंड ना करो जब तक उसका आपके लिए बर्निंग डिजायर ना, ठीक है, वरना वो अप्रिशिएट नहीं करेगी। भाई शी इज अ गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड नहीं कह रहा, अच्छा कह रहा गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड ही है ना, गर्ल होगी तो उसकी। अच्छा लेकिन गर्लफ्रेंड भी है तो थोड़ा सा मतलब ब्रेक, शोधा ना बनना थोड़ा थोड़ा, फिर ये शोधा तो नहीं है। तो मेरी एडवाइस थोड़ी, मैं थोड़ा सा ना मामू थोड़े से बंदे भी ज्यादा स्वीट है, मैं थोड़ा सा कमीना हूँ तो मैं तुम्हें कहूंगा नहीं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि यार आई पर्सनली बिलीव कि इतने शावर नहीं करना चाहिए गिफ्ट से, वैल्यू गिर जाती है, सर ना चढ़ाओ। लेकिन जो आपके हैं बर्थडे हैं, ईद है, चांद रात है और उस पर आप गिफ्ट दें, बिल्कुल दें। ये कभी खुश ना हुई, कभी खुश ना हुई। अभी लेके गया हूँ ह्यूस्टन, कल हमने वो पहले इतना अच्छा ब्रेकफास्ट खाया है, फिर स्टेक खिलाई है, मैंने 6 ounces की मुंह में डाल के खा, तो तुम रहे थे पिक्चर में, मेरी भी वो तो तुमसे खाई नहीं, वो मेरी गलती है, स्टेक है, स्टेक ही खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने कहा फिजा इतनी भूख नहीं लग रही, वो मुंह बन गया, वो ही टांगे फौरन खिड़की के बाहर, ऐसे ऐसे हम खाने खिला रहे हैं, यहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कम। सैयद हरम इलाही ने मुझसे पूछा स्टोरी ऑफ यूएस से मूविंग, इस पे मैं कलदा व्लॉग बनाऊंगा क्योंकि इट्स अ बिग स्टोरी, वरना भी हम जो उनसा है बाकी क्वेश्चन ये क्योंकि आए हैं, बहुत क्वेश्चन ये वाले हैं कि मूविंग की स्टोरी जो है ना, और वो बड़ी मजे की स्टोरी है कि कितना ख्वार हुए थे एयरपोर्ट पे वगैरह सारा। हाँ, मैं किस तरह डीपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन you know, I was left behind in Frankfurt. एक अलग स्टोरी है, तो उसको हमने यही डिसाइड किया कि उसको एक अलग ब्लॉग में रखेंगे क्योंकि फिर हम बाकी क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। ओ ये आपका दोस्त साजिद सिंधु कह रहे हैं, से हेलो टू योर मामू एंड माई फ्रेंड
friend, ask him to think about his YouTube channel, which a lot of people are saying. Sajid, thank you for the question. Sajid ko main janta hu, hum logon ne ek company mein ikatthe kaam kiya hua hai. He was junior. Sajid, time nahi hai mere paas, bilkul yakeen karo. Ye to bas Musa ke pyar mohabbat hai ki Musa jo unsa hai na mujhe zabardasti drag kar deta hai. To bhai, I can't handle my YouTube channel. Main sirf isi ko handle kar lu bhai, mere liye yahi bahut hai. Sahi baat hai, bada mushkil kaam hai. Instagram live join kar le. Haan, mere aap Instagram live, mamu ne aaj pura वर्कआउट दिखाया है, ठीक है, शर्टलेस, ठीक है, नहीं शर्ट तो मैंने पहनी थी, पहनी थी, हाँ, नहीं नहीं शर्टलेस था, नहीं नहीं शॉर्ट नहीं पहने थे, ओ अच्छा फिर आ गए नकाम आशिक, कहता है हाउ टू फॉरगेट माय एक्स, आई स्टिल मिस हर एंड सी हर पिक्चर्स व्हेनेवर आई मिस हर, आई डेटेड टू गर्ल्स आफ्टर हर, तो दो गर्ल्स भी आई डेटेड की हैं, क्या नाम है इसका, मोहम्मद यूनस खान, ज्यादा तो खुदकुशी कर ले, भूल जाएगा मेरा बच्चा सब कुछ, नहीं खुदकुशी करेगा तो फिर वो उधर हुरे नहीं मिलेगी, उसको हुरे भी मिल जाएंगे फिर भी उसी को याद करेगा, पुन्ना जाएगा दोजक ची जितना तेरा कहता है, दो डेटे भी मार चुका उसके बाद, डेटे भी मार चुका उसके बाद फिर नहीं भूली जा रही, तुझे जीने का हक नहीं है, तीन लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी तूने, दो आगे की, फिर कह रहा पीछे वाली मुझे याद आ रही है, पीछे देखो पीछे, इसको पीछे से ही देना पड़ेगा, लड़का पूछ रहा है डस फिजा कंट्रीब्यूट टू हाउस एक्सपेंडिचर्स, तू दे देना, तुझे इतनी फिक्र है, तुम भाई दो इसको, दो अकाउंट नंबर इसको सेपरेट मैसेज दो, तुम्हें अकाउंट नंबर नहीं लाया, देखो लोग बोलते पैसे नहीं, देखो ने पूछा है व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर, मूसा को ना खो दूं मैं, मेरा ख्याल ऐसा कोई है नहीं, आई डोंट थिंक सो, देयर इज एनी, होना भी नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि होगा ना जब तो फिर जीना छोड़ दोगे, जीना नहीं वो दिल भी स्टॉप लाइफ के अंदर, देखिए हर चीज जो आपकी जिंदगी में आ रही है या हो रही है वो किसी अच्छे के लिए है, जो आज है ये कल नहीं है, ये पास्ट है, इसीलिए जोन सा है ना, आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी कोई भी ऐसा कोई फियर फैक्टर है, हां स्किन केयर रूटीन आपकी क्या है, ये लाइटें बड़ी अच्छी रखी है आपने, देखो मैं तो भाई सिंपल वो जो पाकिस्तान में सारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं लक्स, जरा प्यार से वो समझ गए बच्चे सारे मैं किस लक्स की बात कर रहा हूँ, मैं तो कहूंगा दिल साफ होना चाहिए, मुंह पे खुद ही हूँ ना, मतलब कि वो चमक आती है, अब देखो मैं तो मुंह पानी से ही धोता हूँ बस, और किसी चीज से नहीं धोता, ठीक है, क्या देख रही हो तुम, पानी से ही धोता हूँ, लेकिन देखो जो पानी पीना है ना, मैं बहुत पानी पीता हूँ, तो जो पानी है ना ये बहुत अच्छी चीज है, और आसमान नीला है, अब हमारे सवाल खत्म हो गए, फिर मेरा एक सवाल है, एक बच्चे ने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल किया, उसने कहा कि आप मूसा के साथ एक कोई छोटी सी ना किसी कैरेक्टर के ऊपर पैरोडी करें, मेरा अगला सवाल मूसा के लिए है, ओ समझ गया, मूसा आपने पहली दफा कब था चूसा, मेरा मतलब है आपने पहली दफा आम कब चूपा था, बस यार भी छोड़ूंगा नहीं मैं इंटरव्यू, ये कैमरा बंद हो रहा था, ये क्यों ना सदा था तो मेरा रोस्टिंग सेशन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, यू नो मामू फिर मामू किस लिए हुए, आज के ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, दिस वाज पार्ट 3 इन द फाइनल पार्ट, ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड बॉयज एंड गर्ल्स सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा, इस तरह के हम फन फन ब्लॉग्स बना रहे हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, मामू को आजकल सारी शर्टलेस वर्कआउट्स हो रही हैं और शॉर्टलेस, और मुझे भी कर सकते हैं, और मैं कंप्लीटली मैं एक वादा इनसे करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझसे मेरा ओनली फैन पूछा है, तो आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, हाँ जी, ताकि इंशाल्लाह एक दिन मूसा आपसे अपना ओनली फैन शेयर करने का काबिल बन सके, जी मैं जरूर करूंगा, ठीक, एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह वेरी सून, वी लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।